डॉक्टर साहब एक हिंदी माध्यम के बच्चे से पूछ लिया, मैंने कहा बेटा गाली को कैसे परिभाषित करेंगे बताओ, बच्चे का जवाब था सर अत्यधिक क्रोध आने की स्थिति में शारीरिक रूप से हिंसा ना करते हुए मानसिक रूप से की जाने वाली हिंसात्मक कार्रवाई के अंतर्गत कुछ चुने हुए शब्दों का समूह जिनके उच्चारण के पश्चात मन को असीम शांति का अनुभव होता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, लोगों का भी मन कर रहा है देने को। देखो देश हित में तो गालियां खाई जाएं, इसके लिए और मौके कितने आएंगे, पर अगर आज ये मौका आता है तो मैं खुश नसीब रहूंगा, क्योंकि देश की स्थितियां बड़ी विचित्र हैं। पिछले दिनों भ्रष्टाचार का मुद्दा बड़ा फैला देश में, आपने देखा गांधी जी कभी कहा करते थे रिश्वत लेना अन्याय है, रिश्वत लेना अन्याय है। हम लोग भारतीय आदमी अपने काम की चीज निकाल लेते हैं, वो कह गए रिश्वत लेना अन्याय है, हमने उसका अर्थ निकाल लिया रिश्वत लेना अन्य आय है। अच्छा है, अच्छा है। अच्छा पिछले दिनों अभी एक मुकदमा आया, वकील साहब जोर जोर कहने लगे, जोर जोर से, जज साहब मिलोट कानून की किताब के पेज नंबर 15 के अनुसार आपके आपको मेरे मुवक्किल को रिहा कर देना चाहिए। वकील साहब ने इतनी जोर से बोला, जज साहब को लगा कुछ नया खोज के लाया होगा। जज साहब ने कहा वकील साहब कानून की वो किताब पेश की जाए। जैसे ही किताब पेश की गई, जज साहब ने किताब का पेज नंबर 15 खोला, 1,000 के 20 नोट। जैसे ही जज साहब ने देखा, बोले वकील साहब ऐसे ऐसे 4-5 सबूत और पेश किए जाए। बहुत अच्छे, वाह दीपक वाह, दीपक बहुत अच्छे। मेरे तो दोस्त ने पिछले दिनों कहा, बोले दीपक जी ये भ्रष्टाचार कुछ ले दे के खत्म नहीं हो सकता क्या? अच्छा ये घटना यहां नहीं चल रही है, पूरे ब्रह्मांड में चल रही है। वो मुझे याद है धरती से 3 इंजीनियर मरने उपरांत स्वर्ग में पहुंचे, स्वर्ग पर जैसे ही घुसने लगे दरबान ने रोक लिया, जैसे अपने को बाउंसरों ने रोका था आज, पर हमने बता दिया तो रोक लिया उन्हें। और दरबान ने कहा देखो मुझे पता चला कि तुम धरती से आए हुए तीनों इंजीनियर हो, धरती से आए हुए इंजीनियर हो, ये स्वर्ग का द्वार मरम्मत करना है, इसका बजट एस्टीमेट बताओ कितना खर्चा आएगा। पहला इंजीनियर हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का था, उसने कहा इस पर खर्चा आएगा 9,000 रुपए। दरबान ने पूछा कैसे, बोले 3,000 लेबर कॉस्ट, 3,000 मटेरियल कॉस्ट, 3,000 मेरी कमाई। समझ में आई दरबान भाई। दूसरा इंजीनियर चीन का था, बोला इस गेट को ठीक करने में लगेंगे 33,000 रुपए। दरबान ने पूछा कैसे, बोला 11,000 लेबर कॉस्ट, 11,000 मटेरियल कॉस्ट, 11,000 मेरा शुद्ध मुनाफा। अब भारतीय भारी इंजीनियर का नंबर आया, उसने एक बार गेट को देखा, एक बार दरबान को देखा, फिर बोला देख धरती पर ऐसे जुगाड़ मैंने किए हैं बहुत तेरे, धरती पर ऐसे जुगाड़ मैंने किए हैं बहुत तेरे, खर्चा आएगा 29,000 जिसमें 10,000 तो तेरे। खर्चा आएगा 29,000 जिसमें 10,000 तो तेरे, 10,000 मेरे, बाकी बचे 9,000 तो पाकिस्तानी इंजीनियर को ठेका दे देंगे, जाने इसका काम। Awesome. ये सारी स्थितियां पर आइए, समय सीमा का निर्वाह करता हूं कि एक कवि सम्मेलन में मैं कविता सुना रहा था, मैंने देखा अगली पंक्ति में बैठा श्रोता ताली नहीं बजा रहा था। मैंने उससे पूछा क्यों भाई साहब आपको कविता में मजे नहीं आ रहे, आप ताली नहीं बजा रहे। वो बोला ऐसी बात नहीं कि मैंने कवि सम्मेलन के स्वाद नहीं चखे हैं, पर मैं ताली खुद क्यों बजाऊं, अमीर हूं, ताली बजाने के लिए आदमी रखे हैं। मैंने उससे फिर ये शब्द कहे आप हंस भी नहीं रहे। वो बोला ऐसी बात नहीं कि मैंने अपने होठ छिल रखे हैं, पर मैं खुद क्यों हंसूं, अमीर हूं, हंसने के लिए भी आदमी रखे हैं। अब वही श्रोता मुझे मिल गया एक दिन बाजार में लंबी चमचमाती कार में, मैंने कहा भाई साहब बधाई हो आपने नई कार ली है। बोला मैंने नहीं ली, कल शादी हुई है, ससुराल वालों ने दी है। मैंने कहा फिर तो डबल बधाई, पर ये बताओ भाई आप हनीमून पर नहीं गए। बोला अमीर हूं। और ये बात मैंने इसलिए कही है, मेरा कहना सही है कि भौतिक सुख साधनों के चलते आदमी कोई काम खुद नहीं कर सकता। और एक कवि की तो यह हालत है, सुबह यमदूत लेने आए तो बोले आज कवि सम्मेलन है, आज नहीं मर सकता। लेकिन मैं चाहता हूं कि हम सभी अमीर हों।
मैं चाहता हूं कि हम सभी अमीर हों, हमारे पास इंसानियत की दौलत हो, नयनों में संवेदना का नीर हो। और यकीन मानिए, जिस दिन अमीरी का एक्सप्रेस हाईवे गरीबी की पगडंडी से जुड़ जाएगा, यकीनन इस देश में खुशहाली का संकेत आएगा। बहुत अच्छे दीपक, बहुत अच्छे। और देश में तमाम स्थितियां हुई। अभी तो मुझे याद है, राजघाट के पास से गुजर रहा था मैं पिछले दिनों, 2 बजे की बात, रात को। पुलिस वालों ने एक आदमी को पकड़ा हुआ था, उसे पीट रहे थे, वो कमजोर दिल का था। पुलिस वाले पूछ रहे थे, बता तू कौन है। उसने हाथ जोड़े, माई बाप चोर हूं। बोले, वो तो ठीक है, पर ये बता है कौन सी पार्टी का। पिछले दिनों एक नेता से पूछ लिया, मैंने कहा अगर कोई आपकी पार्टी छोड़ के किसी दूसरी पार्टी में ज्वाइन कर ले तो आप उसे क्या कहेंगे। बोला, ऐसे व्यक्ति को तो गद्दार कहा जाएगा। मैंने कहा अगर कोई दूसरी पार्टी से आपकी पार्टी में आ जाए तो इसे तो हृदय परिवर्तन कहा जाएगा। बहुत सारी स्थितियां हो जाती हैं। अभी पिछले दिनों वो नाम चल रहा था हमारे पीएम का नोबेल पुरस्कार के लिए, तो एक दोस्त ने कहा, बोले अपने पीएम का नाम नोबेल पुरस्कार के लिए चल रहा था लेकिन उन्हें मिला क्यों नहीं। मैंने कहा, यार नोबेल पुरस्कार शांति के लिए मिलता, सन्नाटे के लिए नहीं। जिंदाबाद। देश में इतनी इतनी स्थितियां हो रही है साहब, आप देखते हैं, मैं इशारों बात करता हूं। पहले जो हमारे यादव बंधु होते थे मिश्रा जी, वो गाय पालते थे। गाय दूध देती थी, चारा खाती थी, जो दूध निकलता था उससे मक्खन बनता था और मनमोहन उस समय मक्खन खाया करते थे। दृश्य परिवर्तन हुआ, अब स्थितियां ये हो गई। यादव बंधु पहली बात तो गाय नहीं पालते, पालने तो गाय को चारा नहीं देते, खुद ही खा लेते। जिंदाबाद। अगली, दूध कहां से दे, और दे भी दे, देती नहीं दूध, दूध नहीं देती तो मक्खन नहीं बनता। अब अगला, भाई कोयला ना खाए तो क्या खाए। बहुत अच्छे दीपक, बहुत अच्छे। लेकिन यह भी उसका कौशल है कि गाय दूध नहीं देती फिर भी घर में डायरेक्ट राबड़ी लेके आता है। वो इसलिए क्योंकि वो भी आपका भक्त है, आपने ही कुछ गुड़ दिए होंगे। क्योंकि देखो, कई लोग कहते हैं डॉक्टर साहब ने प्यार पे पीएचडी की, हमने भी इनसे गुड़ लिया, हमने पीएचडी करने वाली से ही प्यार कर लिया। अच्छा है। लोग कहते हैं ये प्यार के गीत लिखते हैं, मैं तो इन्हें गीतों का प्रेम चोपड़ा कहता हूं। लेकिन आइए, जुड़ता हूं, कोशिश करता हूं। पारिवारिक उत्सव है तो पारिवारिक संबंधित कुछ रचनाएं आपके बीच में देता हूं। अभी 22 तारीख आने वाली है, एक पर्व आ रहा है, वहीं से शुरू करता हूं कि करवा चौथ के दिन अपनी पत्नी का मन रखने के लिए मैंने भी व्रत रखा। सुबह से ना पानी पिया, ना खाने में कुछ चखा, शाम को जब घर आया पत्नी से फरमाया, बता डार्लिंग ऐसा क्या करूं कि तेरी जिंदगी में ऐश हो जाए। पत्नी मुस्कुराते हुए बोली, कुछ ऐसा कर दो तुम्हारी जीवन बीमा पॉलिसी कैश हो जाए। अच्छा, जब कवि को लगा कि उसकी पत्नी के उसके बारे में ये विचार है, तो उसने कैसे निपटाया कि एक कवि के घर डाका डालकर जब डकैत जाने लगे तो कवि की आंखों से आंसू आने लगे। उसने जाते हुए डकैतों को बुलाया, आवाज लगाकर बोला, ये संदूक भी ले जाओ उठाकर। तभी एक डकैत बोला, यार आदमी अपना सामान खुद लुटवाए इतना तो अकलमंद नहीं है, सच सच बता इसमें तेरी बीवी तो बंद नहीं है। कभी बोला, डाकू भैया आपने खाम खा की अपनी मूछे ऐठी हैं, अरे बीवी तो अलमारी में बंद है, इसमें तो सासू जी बैठी हैं। तो कई बार होती है, मैं शब्दों का घालमेल बता रहा था कि वो कुछ कह के गए और हमने अपने काम की चीज निकाल ली। एक कविता सुनाता हूं, पूरे पारिवारिक दृश्य का आनंद लीजिए। कि मैं कवि सम्मेलन में जाने को हो रहा था तैयार, मेरी पत्नी को जाना था बाजार। सकुचाती शर्माती मुझसे बोली, मुझे छोड़ दोगे क्या। मैंने कहा, मैं तो कब से तैयार बैठा हूं, पर 7 फेरे लेने के बाद लाचार बैठा हूं। अब इसमें ना तेरी कोई खता ना मेरी कोई खता, पर तुझे इस बात का नहीं पता कि शादी वाले दिन जब घोड़ी पर होकर सवार मैं पहुंचा मंडप के द्वार, तो तेरे पिताजी ने मेरे हाथ में 2 लाख रुपए देते हुए कहा, बरकरदार ये मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है, कहीं जानी नहीं चाहिए। बेटा पैसे हर महीने आते रहेंगे, लड़की मायके नहीं आनी चाहिए।
बहुत अच्छे, बहुत अच्छे दीपक। इतना सुनते ही मेरे फेरे तो पड़ गए, पर फेरे पड़ते ही ससुर जी अपनी बात से मुकर गए। पर मुझे इस बात का ना कोई दुख है, ना कोई पछतावा, ना ही मैं पछता रहा हूं, बल्कि आज तक ईमानदारी से अपना धर्म निभा रहा हूं। क्योंकि मैं जानता हूं कि पैसा पैसा तो आना जाना है, पर घर में जो लक्ष्मी आई है वही मेरे लिए बहुमूल्य खजाना है, वही मेरे लिए बहुमूल्य खजाना। और मित्रों, मैं चाहता हूं एक कविता और देता हूं और दो शेर देकर अपना स्थान लेता हूं। कहता हूं कि एक आदमी ने करके शादी, शादी रजिस्टर्ड करा दी। एक आदमी ने करके शादी, शादी रजिस्टर्ड करा दी, रजिस्ट्रार ने भी मोहर लगा दी, बदले में उसे एक सर्टिफिकेट मिला, देखते ही खिला, फिर अनायास हो गया उदास, अपना मुंह खोला, रजिस्ट्रार से बोला, साहब ये सर्टिफिकेट तो जाली है। बोला, साहब ये सर्टिफिकेट तो जाली है क्योंकि इसमें शादी की एक्सपायरी डेट का कॉलम खाली है। क्योंकि इसमें शादी की एक्सपायरी डेट का कॉलम खाली है, तो रजिस्ट्रार ने उसे बताया, बड़े प्यार से समझाया, ऐसा नहीं कि हमारे यहां शादियां ही होती हैं या तलाक के मुकदमे दायर नहीं होते हैं, पर ये हिंदुस्तान के मेरे दोस्त, यहां पर आदमी एक्सपायर होने के बाद भी रिश्ते एक्सपायर नहीं होते हैं, आदमी एक्सपायर होने के बाद भी रिश्ते एक्सपायर नहीं होते हैं। और मित्रों, चलते चलते कहता हूं, मैं तमाम कोशिशें करता हूं, नए नए प्रयोग डॉक्टर साहब आप भी पहली बार सुनेंगे, कि सुबह का अपना मजा है, शाम का अपना मजा, सुबह का अपना मजा है शाम का अपना मजा, जूस का अपना मजा है, जाम का अपना मजा, जूस का अपना मजा है, जाम का अपना मजा, एक के संग एक फ्री है इन दिनों हर आइटम, एक के संग एक फ्री है इन दिनों हर आइटम, मुफ्त का अपना मजा है, दाम का अपना मजा, मुफ्त का अपना मजा है, दाम का अपना मजा, और आशिकी में कल मैं उसके भाइयों से फिर पिटा। आए हाय, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, आशिकी में बधाई हो, कल मैं उसके भाइयों से फिर पिटा, दर्द का अपना मजा है, दाम का अपना मजा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो आइए मैं और समापन की ओर लेकर चलता हूं अपनी पारी को। तमाम रंग होते हैं हास्य का है, मैं कोशिश करता हूं कि भले ही मद में रहते हैं, भले ही मद में रहते हैं मगर हम हद में रहते हैं। अच्छा, भले ही अच्छा मद में रहते हैं मगर हम हद में रहते हैं, परिंदे आसमां पर भी जमी की जद में रहते हैं। बहुत अच्छा है, परिंदे आसमां पर भी जमी की अच्छा जद में रहते हैं, हमारी उनसे बनती है जो अपने कद में रहते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हमारी उनसे बनती है जो अपने कद में रहते हैं, उन्हें जनता से क्या मतलब वो जो संसद में रहते हैं। जिंदाबाद, वाह वाह वाह। तो दोस्तों, ये गलत फहमी है केवल आपकी, ये गलत फहमी है केवल आपकी, है हुकूमत आपके ही बाप की। बहुत अच्छे। मुझे एक घटना याद आती है, पिछले दिनों मुझे और डॉक्टर कुमार विश्वास जी को जयपुर जाना था कवि सम्मेलन में, इत्तेफाक से गुड़गावा में थे। मैंने कहा, डॉक्टर साहब आपकी भी गाड़ी नहीं आ रही अभी, और कुछ नहीं है तो टैक्सी कर लेते हैं। डॉक्टर साहब बोले, कोई बात नहीं। हमने टैक्सी कर ली, टैक्सी वाले से कहा, भाई जयपुर कितनी दूर है? बोला, यही कोई 20-25 खेत छोड़ने के बाद। अब हम बैठे एक घंटा, दो घंटा, तीन घंटे हो गए, तो मैंने ड्राइवर साहब से पूछा, मैंने कहा, तुम तो कह रहे थे भाई जयपुर 20-25 खेत छोड़ने के बाद है। बोले, साहब आपने ये तो पूछा ही नहीं खेत किसके हैं। मैंने कहा, आप बता दे किसके हैं। बोले, दामाद साहब के। बहुत अच्छे। तो ये गलतफहमी है केवल आपकी, ये गलतफहमी है केवल आपकी, है हुकूमत आपके ही बाप की, और जूतियां गिनकर नहीं पड़ती मियां। क्या अनुभव बोला है, जूतियां गिनकर नहीं पड़ती मियां, छांट लेना तुम भी अपने नाप की। भाई क्या जीवन शेर बोला है भाई, वाह वाह वाह। और दोस्तों कहता हूं, आइए चलते चलते फिर तीन चार शेर और आपको देता हूं। कहता हूं कि भले ही सियासत को कम जानते हैं, एक कवि को क्यों आना पड़ा, क्यों स्थितियां झेलनी, क्यों ये उपक्रम करने पर बाध्य होना पड़ा, कि भले ही सियासत को कम जानते हैं मगर उनकी नीयत को हम जानते हैं, भले ही सियासत को कम जानते हैं मगर उनकी नीयत को हम जानते हैं,
शराफत का हमको सिला ये मिला है, हमें लोग बस्ती में कम जानते हैं। अच्छा है, अच्छा है। शराफत का हमको सिला ये मिला है, हमें लोग बस्ती में कम जानते हैं। सफर में कहां है नहीं जानते हम, सफर में कहां है नहीं जानते हम, कहां पर है मंजिल कदम जानते। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कहां पर है मंजिल कदम जानते हैं, और रहे 7 वर्षों पर एक दूसरे को न वो जानते हैं न हम जानते हैं, न वो जानते हैं। और चलते चलते कहता हूं मित्रों के नहीं मालूम ये मुझको कि मेरी इज्जत कहां तक है, नहीं मालूम। इज्जत कहते हैं दोस्तों पहुंच को, लिमिटेशंस को, दायरे को। नहीं मालूम ये मुझको कि मेरी इज्जत कहां तक है, ये मेरे शेर बोलेंगे कि ये आमद कहां तक है। नहीं मालूम यह मुझको कि मेरी इज्जत कहां तक है, ये मेरे शेर बोलेंगे कि यह आमद कहां तक है। न दौलत से ही तय होगा न शोहरत से ही तय होगा, तेरा किरदार बोलेगा कि तेरा कद कहां तक। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। न दौलत से ही तय होगा न शोहरत से ही तय होगा, तेरा किरदार बोलेगा कि तेरा कद कहां तक है। और आज का अपना बेहतरीन शेर नई पीढ़ी की तरफ से पुरानी पीढ़ी को देना चाहता हूं। कहता हूं कि तेरा किरदार बोलेगा कि तेरा कद कहां तक है, और बुजुर्गों के तजुर्बों तक पहुंचना चाहते हैं घर, बुजुर्गों के तजुर्बों तक पहुंचना चाहते हैं घर, जमी की तह में जाकर देखिए बरगद कहां तक है। तह में जाकर देखिए बरगद कहां। बहुत अच्छे, एक बार जोरदार तालियां। हाय, अच्छा मस्ती और मुझसे। कौन कहता है पनीर सीधा साधा होता है, ये ना तो सीधा है ना सादा, चटपटा है। नया मिल्क मैजिक हेल्दी क्यूब बाइट्स, स्पाइस इन्फ्यूज पनीर, खाओ कभी भी कहीं भी। मिल्क मैजिक हेल्दी क्यूब बाइट्स, पनीर पे अब मस्ती चढ़ गई। एपेक्स बैंक मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, समृद्धि आपकी, योजनाएं हमारी। वाहन ऋण, आवास ऋण, व्यक्तिगत ऋण, भ्रमण ऋण, उच्च शिक्षा ऋण, व्यापारियों को साख सीमा ऋण, त्योहार ऋण, चिकित्सा ऋण परियोजना, उपभोक्ता ऋण, आभूषणों के तारण पर ऋण, अचल संपत्ति के बंधक पर ऋण, क्यों देखें महज सपने, आइए करें उनको साकार। केंद्र, राज्य शासन, शासकीय निगम, मंडल बोर्ड, समस्त सहकारी बैंकों, संस्थानों एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों के लिए उपरोक्त समस्त ऋण रियायती ब्याज दर मात्र 8% पर ऋण सुविधा उपलब्ध। वरिष्ठ नागरिकों को सावधि जमा पर 1% अधिक ब्याज सुविधा का लाभ लेने के लिए नजदीकी एपेक्स बैंक की शाखा में संपर्क करें। LNCT से आपका ब्राइट फ्यूचर बुला रहा है। फ्रॉम LNCT यूनिवर्सिटी प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल एक्सपोजर फॉर इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, एग्रीकल्चर साइंस, पैरामेडिकल, लॉ एंड मेनी मोर। विजिट lnctu.ac.in। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।